आज यही चलेगा। ए राजा राजा मोबाइल के लेना राजा। क्या बात है राखी जी, क्या बात है, हाल लगा दिया राखी जी, क्या बात है, क्या बात है राखी जी, यहाँ पे भी देखो ना, यहाँ यहाँ पे राखी जी, यहाँ पे सामने सामने राखी जी, रुकिए राखी जी, रुकिए राखी जी, किसी ने क्या बुलेट फोटो नहीं भेजा, थोड़ा पीछे हो रहे, थोड़ा पीछे, हमारा बर्थडे बहुत सब, थोड़ा पीछे राखी जी, राखी जी आपके बारे में, अरे अंकित का तो गिर गया, थोड़ा एक स्टेप थोड़ा पीछे जाना राखी जी आपके बारे में, ये फोन मशीन है, हां बस पीछे पीछे आ जाओ सर, अरे भाई आप हट जाओ, राखी जी राखी जी राखी जी वेट 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 राखी जी, फोटो नहीं मिला है, थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे राखी जी, वही है ना राखी जी, फोटो चाहिए, फोटो पीछे जाइए ना थोड़ा, हाँ बस बस ऐसे ही, पीछे जाइए, गाड़ी यहां पे राखी इधर इधर, अरे चाचा साइड हो जा, अरे राखी जी इधर देखिए राखी जी, अरे भाई राखी इधर, राखी इधर, अरे पीछे जाओ दुर्गेश भाई, अरे चलो चलो पीछे आओ ना, आराम से आराम से आराम से राखी जी, अरे देख रहा हूँ, देख रहे हो तो मेरे सामने, देख आगे देखो, ये हेलो शिव नहीं है कि नहीं, अरे एक मिनट रुको, बीच में मत बोलो, अब आपको पता है कि नहीं मेरी क्लोन ने क्या किया, क्या किया, मैं मक्का मदीना पहुंच गई, ये लोग यहाँ कोई दरगाह वरगा पहुंच गए, पूरे हिंदुस्तान को वर्ल्ड को मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो माल्टा लेके नंगी घूम रही थी उसे मैंने पूरे कपड़े पिनवा दिए हैं, अब आया पिनवा दिया, बुरखा पहन के आएंगी, सबको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपको कहा उन्होंने, ठीक है, आपने देखा कि मेरी क्लोन जो है, मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ तो वो पहनती, मैं साड़ी पहनती हूँ तो वो पहनती है, मैंने बुरखा पहना तो उसने पहन लिया, अंदर आ जाओ, बाइक अंदर कर, रुकिए रुकिए, बताइए नया डिजाइनर है क्या है, बताइए राखी जी, चलिए राखी जी कौन सा डिजाइनर से आपने किया है, आप आइए आइए, छोटू को ले लीजिए, छोटू को ले लीजिए, अमित सर का, अमित सर को बुलाइए, अमित सर के लिए क्या बोलना चाहिए, अमित सर के लिए देश की शान है, देश की शान आज तक की आन बान शान हमारा शेर है, आर अमित त्यागी जिंदाबाद, ठीक है चलिए, तो सही राखी जी, अमित त्यागी जिंदाबाद, चलिए ना प्लीज, चलो चलो पीछे चलो, ब्रांडेड है भाई, आदिल ने तो कभी जिंदगी में ब्रांडेड कुछ पहनाया नहीं, अब मुझे दुनिया के लोग पहना रहे हैं, आप अकेले दुबई में बहुत सारी शॉपिंग कराई थी, मतलब ज़ारा ये वो बहुत सारी बात थी, अरे आ जाओ पहले, अरे अंदर आ जाओ, लाइट करेगा, आई एम सो हैप्पी कि अमित त्यागी जी वो मेरे फ्रेंड हैं, जब हम स्ट्रगल के टाइम से आज 20 साल, मैंने राखी का पहला इंटरव्यू किया था, ईशा जी और जाहिद खान की पिक्चर थी, राखी का फर्स्ट इंटरव्यू आई हैड डन, एंड चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने, या राखी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल रोल इन दैट, शी वाज ऑल्सो न्यू कम अप एंड नाउ आई सी शी हैज बिकम अ स्टार, वाओ, सो मेरा अमित त्यागी जी का बहुत ही पुराना रिश्ता है, मेरे भाई हैं और दोनों ही भाई मेरे भाई हैं, और इन्होंने इतनी मेहनत करके आज आपने जो आज तक है, जो पूरा कहाँ से कहाँ एकदम चांद पर लेकर गए, मुझे तो लगता है कि सब चांद
चांद पर पहुंचे, तो आज तक का टैग भी चांद पर हम लोग लहरा ही देते। अमित सर, अमित भाई बहुत ही अव्वल नंबर जर्नलिस्ट हैं और इनके जर्नलिज्म में बहुत सच्चाई है और वो मतलब जो देश तक खबर पहुंचाते हैं पूरी पूरी सारी सच्चाई की पूरी रियल खबर पहुंचाते हैं और इंसान अमेजिंग है। जब भी मैं बिग बॉस में गई हूँ आप हमेशा आए हैं, आपने हमेशा सपोर्ट किया है और बहुत ही मतलब अच्छा लगा है मुझे। और आज अमित त्यागी जी का बर्थडे हो और सरप्राइज पार्टी आप थ्रो करी है और मैं यहाँ आ रही हूँ अपने अलग अंदाज में। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं उमरा गई, उमरा से आने के बाद मैंने पूरा एकदम अपना लुक बॉलीवुड में चेंज कर दिया। आप जानते हैं चाहे स्वयंवर हो, चाहे टॉक शोज हो, चाहे डांस हो, चाहे रियलिटी शो, चाहे बिग बॉस हो, चाहे एनी काइंड ऑफ आइटम सॉन्ग्स हो, मैंने हमेशा ट्रेंडिंग रखा है। आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं तो आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में मेरी एक क्या जगह है? मैं कहूँगा कि राखी उस पानी की तरह है जो बदल जाती है। मतलब जैसे मैंने कहा इनका पहला इंटरव्यू किया था हर रियलिटी शो, इन्होंने बोला मैं बिग बॉस पे भी गया था तभी मेरे सामने थी, मेरा पहला सवाल मैंने सलमान खान को बोला कि राखी तो इस घर से पुराना नाता है, सीजन 1 से लेकर 15 तक राखी आप रही हैं और आज मुझे राखी को ऐसे देखने लगी दुबई में हूँ। थैंक यू मोहित जी, दुबई में आपने आपको नहीं लगता दुबई आ गया? अभी भी कम टू दुबई, एक्चुअली मेरा लुक इसलिए है कि मैं अभी उम्रा करके आई हूँ और अभी मैंने सारी ज़िंदगी एक्सपोज किया है, सारी ज़िंदगी ग्लैमरस कपड़े पहने हैं तो मैं हमेशा ट्रेंडिंग मेकर हूँ अमित जी। तो हर रोज़ देखती हूँ कि अब लड़कियाँ, हमने भी एक्सपोज किया है पर अब कुछ मार्केट में कपड़े ही नहीं बिक रहे हैं, बोलते कपड़े कोई पहनता ही नहीं है बॉलीवुड में तो बिक ही नहीं रहे। तो अब इसीलिए मैंने अपना जो आपके बर्थडे पर स्पेशली ये लुक, मैं अफगानी लुक जिसको कहते हैं अफगानिस्तान का अफगानी देवी, जी जी खुदा गवाह का जो अफगानी लुक का जो है, तो तुझे कबूल मैं तुझे कबूल, तुझे खुदा कबूल और खुदा को मैं कबूल और मैं खुदा से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अपने भाई अमित त्यागी के लिए। दुआ करना चाहूँगी कि आज तक हमेशा तक रहे हमेशा और आप बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है अमित भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू अमित भैया, हैप्पी बर्थडे सिंगर अमित भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अब मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लूँ जी। हाँ जी। देखिए दोस्तों मैं बताना चाहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, जहाँ जहाँ हमारी हिंदी लैंग्वेज बन रही है वहाँ पे मैं सबको कहना चाहती हूँ मर्लिन खोपड़ा जी को मैंने कपड़ा पहनाना सिखा दिया है। मर्लिन खोपड़ा जी को देखिए, ये एक ऐसी स्त्री है जो अपने माल्टा खरबूजे लेकर पूरे बॉलीवुड में घूमती थी लेकिन आज सारा आशीर्वाद सबको मुझे जाना चाहिए, अब हमने इनको पूरे कपड़े पहनाना सिखा दिया है। आज तो उन्होंने अबाया भी पहना है, बुरखा भी पहना है और मुझे बेहद खुशी है कि वो अल्लाह का नाम भी ले रही है तो अल्लाह उन्हें खुश रखे हमेशा। जी वो मेरी क्लोन है और हमेशा क्लोन रहेगी। राखी जी जब तक कि आप अबाया नहीं पहनती थी, जब तक कि आप किसी का नाम नहीं रखती थी, अभी आप अबाया पहनती हैं, किसी का नाम रखती तो गलत बात है। ठीक है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट राखी जी जवान होने वाली है, कितनी एक्साइटेड है जवान के लिए। जी आज ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूँ, शाहरुख जी राखी सावंत जवान के गाने के लिए अपने पूरे 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 बाल मुंडवाएगी। मैं भी जो उन्होंने बोल्ड लुक किया है मैं भी पूरे बाल मुंडवा के वही डांस करूँगी। मैं बहुत जल्दी है, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है राखी जी, वही चलेगा वही हुआ नहीं, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत बड़ी बात की है जी, मैं करूँगी।
शाहरुख जी के लिए, क्योंकि मैं शाहरुख की डिस्कवरी मैं हूं ना में उन्होंने मुझे चांस दिया। और उसके बाद उसके बाद मरलिन कुपड़ा भी अपने बाल मुड़वा ली। राखी जी आपका नया गाना कब आ रहा है? गणेश भैया शैली नेक्स्ट एक साथ डर क्यों रहा है देखिए मैं इसके बारे में
मैं शर्लिन जी की बात पे इसलिए यकीन कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने कुरान शरीफ जो पाक पवित्र आसमानी जो हमारे अल्लाह के पुत्र है उसमें अपने कसम पीछे जाओ पीछे अरे सोहेल भाई हटो यार एक मिनट ये मेरा इंटरव्यू चल रहा था जो आए हो प्लीज मैं हट जाओ यार एक मिनट किधर है क्या निकल रही है